नमस्कार, मैं हूँ सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दवे। सेक्स पार वीडियोस में आपका स्वागत है। अगर आपके मन में सेक्स से जुड़ी हुई कोई भ्रांति है तो ये वीडियो देखने के बाद दूर हो जाएगी। अगर आपके मन में सेक्स भ्रांति से जुड़ी हुई कोई सेक्स समस्या है तो भी ये वीडियो देखने से दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सवाल जवाब का सिलसिला। घाट कॉपर से सचिन कहते हैं, सर जी मेरी नई नई शादी हुई है और अचानक से पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने एक औरत देखी जो मासिक धर्म से गुजर रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसकी कैसे मदद करूं और पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या होती है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि 3-4 दिन तक ये जो मासिक धर्म होता है उसमें अंदाज से कितना रक्त का बहाव होता है। सचिन, आपका सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहूँगा कि लगभग 3-4 दिनों के अंतर में आधा कप जितने रक्त का स्फुरन होता है। ये गर्भाशय से लगातार रूप में नहीं निकलता बल्कि ये स्फुरन के रूप में निकलता है, यानी कि धीरे धीरे कभी कभार निकलता है। और ये कब निकलता है? जब गर्भाशय की जो मांसपेशियां है उसमें जब संकुचित हो जाती है तो उसमें से ये मासिक स्राव यानी कि खून निकलता रहता है। और आपको शायद पता ही होगा कि ये सब बचाव के लिए औरतें जो है वो उसके लिए सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती हैं। तो यही था आपके सवाल का जवाब सचिन जी। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे एक नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।